नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, काफी दिनों के बाद फेस के वीडियो शूट कर रहा हूं, कैमरे के सामने वीडियो शूट कर रहा हूं। आप लोग बोलते भी हैं कमेंट में कि सर फेस कैम वीडियो शूट किया कीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फेस कैम वीडियो ही शूट करते हैं। वीडियो के बारे में जानकारी भी देंगे, थोड़ी सी आपसे चर्चा भी कर लेंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी कोहरे में फोगी सीजन में टकराने से बची थी। मैं सिटी में ही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, तो वो जो फुटेज थी दोस्तों पूरी डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी। पूरा जो वाकया था मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था, वॉइस ओवर करके वो वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं गाड़ी चलाते समय तो शूट कर नहीं रहा था। डैश कैम में जो फुटेज शूट हुई थी तो वो मैंने आपको वीडियो में दिखाई भी थी। अब उस फुटेज में क्या था दोस्तों, कुछ लोगों का कहना यह था कि प्री प्लान करके वीडियो बनाया गया है, ऐसा कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। थोड़ी सी मेरी बहस भी हुई थी उनसे, उनको मैंने मतलब समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो वो बहस कर रहे थे, तो फिर मैंने कमेंट भी कुछ डिलीट कर दिए। दो तीन लोग थे ऐसे, उनको ऐसा लगा, उनको सुनने में ये आया कि ये एंगल सही नहीं है, तो उनको क्या लगा कि कैमरे के एंगल की बात चल रही है। तो इस चीज को लेकर लोग शक कर रहे हैं कि मैंने जो वीडियो है वो पहले से प्लान करके बनाया था। और ये वीडियो अपलोड करने के कुछ दिन बाद ही मुकेश चंद जी हैं जो नोएडा वाले, मुकेश चंद गौड़ जी, तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया उन्होंने कोहरे में गाड़ी को कैसे ड्राइव करें। तो पूरा डेटा हमारी गाड़ी का जो है उन्होंने लिया है, उसमें काफ़ी अच्छे तरह से एनालाइज करके उन्होंने बताया, एक एक चीज़ बताई है, कितने सेकंड में क्या क्या स्पीड थी, कितने सेकंड में जो ऑब्जेक्ट था वो देखा और कब ब्रेक लगा, पूरा दिखाया। हमारे चैनल का नाम भी लिया उन्होंने, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उनके चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। तो उन्होंने पूरी डिटेल में अच्छे से समझाया है, और कोहरे में गाड़ी के चलाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी उन्होंने बताया है। हालांकि मैंने जब वीडियो बनाया था ये वाला, उसके बाद भी मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि कोहरे में गाड़ी को किस तरह से चलाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कुछ लोगों को लग रहा था कि ये प्री प्लान वीडियो है, तो मैंने सोचा चलिए आज पूरा वीडियो ही दिखा देते हैं, क्योंकि वो वीडियो मैंने डिलीट नहीं किया था। जो डैश कैम की फुटेज थी वो मैंने अपने फ़ोन में सेव कर ली थी, तो वो फुटेज मेरे पास है। अब आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। मैंने सोचा वो तो मैं पहचान गया कि वो ही है, लेकिन मैं सोच रहा था यार कोई बीमारी वगैरह तो नहीं उनको, क्योंकि वो ज्यादा उम्र भी नहीं थी ना उनकी। उम्र नहीं मान रही थी। ये पेपर में आया था? हाँ आया था, उनकी उम्र होगी वही 45। पकड़ा गया कि नहीं? अभी तो क्या अज्ञात डलवा दी है, क्योंकि बाइक वाले बीमार नहीं हुए तो बड़ी जाएगा बेचारा। बताइए समझदार है तो क्या भी क्लियर होता है ना क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो।
इतनी स्पीड में ही नहीं थे अपन। क्या अपन जब दिन में भी आते हैं ना, दिन में भी तब भी रोड कौन सा जे रहता है। तो अभी दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया, अब आपको लग रहा है कि ये प्री प्लान वीडियो है या नहीं, क्योंकि सारी चीजें आपने सुन ली है, साथ में हम क्या बातें करते हुए आ रहे थे। एक्चुअली हुआ यह था कि कुछ दिन पहले ही जब ये हमारे साथ घटना हुई थी, तो उस दौरान हमारे पहचान के दो लोग एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में। एक जो हमारे मित्र थे उनके अंकल थे, तो वो एक्सपायर हो गए थे, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे हम लोग। और उसके बाद एक मेरा जो मित्र साथ में था गाड़ी में और मेरी वाइफ थी, तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे हम लोग कि एक और जो मित्र है वो एक्सपायर हो गया है ऐसे एक्सीडेंट में। तो मतलब एक सर्कल है हमारे यहाँ पर, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसकी चर्चा चल रही थी कि काफ़ी ख़राब जो है वो सर्कल है, काफ़ी ख़राब एंगल है वहाँ पर, काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ये चर्चा चल रही थी। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो ये घटना होती होती बच गई, यानी एक्सीडेंट होते होते बच गया। और फिर मैं दिन में भी गया था दोस्तों वहाँ पर, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी तो कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए फिर मैं गाड़ी से ही फुटेज लेके आ गया आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में कोहरे के समय में क्या चीज़ थी। तो आप यहाँ पर ये फुटेज देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि उस टाइम पे ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी जिससे हमारी गाड़ी टकराने से बची। और जो सिचुएशन है रोड की वो देख लीजिए, सीधा रोड जा रहा हो, अचानक से मुड़ दिया गया। आप सामने जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये दोस्तों रेलवे की जगह है। ये रोड जब बन रहा था, इसका चौड़ीकरण हो रहा था, तो रेलवे की जो जगह है ना, इस पर स्टे लगा हुआ है, रेलवे की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, इस वजह से ही ये रोड को यहीं पर ख़त्म करके एकदम से राइट हैंड की तरफ मोड़ दिया गया है। अब अनजान कोई व्यक्ति होगा, अगर वो स्पीड में आ रहा होगा तो उसका एक्सीडेंट बिल्कुल हो सकता था यहाँ पर, लेकिन मुझे पता था, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चला कि कब हम उस ऑब्जेक्ट के पास पहुँच गए। हालांकि मेरी स्पीड कम थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ अगर मेरा ध्यान थोड़ा भी इधर उधर होता, मिली सेकेंड में ही गाड़ी टकरा जाती, क्योंकि 2 फुट से भी कम फासला बचा था टकराने से। और एक चीज़ और, हमारा एक मित्र भी जाता साथ में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि मंदिर जाते हैं हम लोग, तो एक मित्र भी जाता है, तो वो बाइक से आ रहा था हमारे पीछे, वो इतना ज़्यादा कोहरा था, उसकी बाइक भी उसी ऑब्जेक्ट से टकराने से बची थी। उसको भी समझ में नहीं आया कि अचानक से जो है इतने पास कैसे आ गए हम। तो अभी आपने फुटेज देख ली, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो अब आप पे मैं छोड़ता हूँ कि ये प्री प्लान वीडियो है या नहीं। और जो लोग ये कॉमेंट कर रहे थे कि ये प्री प्लान वीडियो है, फेक वीडियो है, तो उन लोगों ने भी ये पूरा वीडियो देख लिया होगा और उनको ही पता चल गया होगा आप कि वास्तव में वो प्री प्लान वीडियो नहीं था, रियल घटना थी। तो ये एक टॉपिक जो था मुझे अंदर से थोड़ा सा परेशान कर रहा था कि मैं बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ में पूरे वीडियो बनाता हूँ, अपने जो व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं उनके साथ कभी भी ऐसा मैंने कोई फ्रॉड किया नहीं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं तो चलिए इसका जवाब देते हैं। तो अभी आपको सब कुछ रियलिटी पता चल गई है कि वो फेक वीडियो था या नहीं था। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।